इन दिनों सोशल मीडिया पर मालदीव खूब ट्रेंड कर रहा है। वजह है पीएम मोदी के ऊपर मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई आपत्तिजनक बयानबाजी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव तेजी से ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड के साथ ही मालदीव के कुछ मंत्रियों की ओर से पीएम मोदी पर किए गए आपत्तिजनक बयान के बाद पूरा मालदीव बैकफुट पर आ गया है। मालदीव के विपक्षी दल सरकार पर ऐसे बयानबाजी के लिए हमलावर हैं, तो वहीं देश का टूरिज्म विभाग अब घुटनों के बल आ चुका है। विभाग की ओर से गुहार लगाई जा रही है। कुछ मंत्रियों की बयानबाजी के बाद मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने कहा कि वो ऐसे अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, कुछ उपमंत्रियों की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत के लोगों के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है। मैटी ने मंत्रियों के बयान पर खेद जाहिर किया है। उसने आगे कहा कि भारत हमारे सबसे नजदीक पड़ोसी में एक है, जो हमारे सहयोगियों में भी शामिल है। भारत ने हमेशा संकट की घड़ी में मालदीव की मदद की है। गौरतलब है कि भारत मालदीव राजनयिक तनाव के बीच व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्यापारियों से मालदीव से कारोबार में परहेज करने की सलाह दी। कैट महासचिव प्रवीण खंडेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी व्यापारिक समुदाय को कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बहिष्कार के आह्वान का उद्देश्य एकजुटता जताना है और ऐसे अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ अस्वीकृति दर्ज कराना है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।